बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। माय नेम इज़ ममूना सजाद। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एफएससी पार्ट टू मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारा है चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। हमारा टाइटल क्या होगा या टॉपिक क्या होगा? डेफिनेशंस प्लस एक्सरसाइज 1.1। पिछले लेक्चर में हमने यही किया था कि कुछ डेफिनेशंस की थी और उसके रिस्पेक्ट कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज की। तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द फंक्शन इन विच द वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। मीन्स क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा वेरिएबल एज अ पावर ट्रीट किया जाए या एज अ पावर एक्सप्रेस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। ऐसे ही हमारा वेरिएबल जब पावर में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर y, ये कौन सा फंक्शन आ गया? फर्स्ट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। उन्होंने वो नोटेशन ले ली, यहाँ y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। देन y इज इक्वल टू log ऑफ a ऑफ x, a रेज टू पावर x। तो यहाँ पे क्या है, इससे जब log अप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, y इज इक्वल टू log a रेज टू पावर x। अब यहाँ पे कंडीशन दी है a ग्रेटर देन 0, a नॉट इज इक्वल टू 0। उन्होंने कहा है कि a क्या है? हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होगा। ग्रेटर देन 0 क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर होगा। एंड 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट। एंड ए नॉट इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए। हमारे पास ये कंडीशन दी गई है। इस कार लॉगरिथमिक फंक्शन, नेक्स्ट उन्होंने वैल्यूज पुट की हैं ए की। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, अगर वो कहता है कि हम ए 10 लें, देन वाई इज़ इक्वल टू लॉग 10 ऑफ ए या 10 ऑफ एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक की जगह 10 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, इस कॉमन लॉग। अगर a की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये क्या कहलाता है? कॉमन लॉग। इफ a इज इक्वल टू e, देन y इज इक्वल टू लॉग e रेज टू पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। कह रहे कि अगर a की वैल्यू हम e के इक्वल ले लें तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। तो ये किसके इक्वल आता है? लॉग x की, यानी ln x की। इस कार नेचुरल लॉग, इस टाइप का लॉग क्या कहलाता है, यानी इस लॉग को क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इफ वाई इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस कार, देन वाई इज कार एक्सप्लिसिट फंक्शन। मतलब अगर हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में, यानी x की टर्म में इंडिपेंडेंटली हम लोग एक्सप्रेस कर सकें, देन ये क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसकी एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि y को हमें सेपरेटली करने के लिए हमें इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। आगे आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। If y is not easily expressed in term of independent variable x, then y is called implicit function. अब ये क्या है कि अगर y को हम independent in term of independent variable x के respect इसको easily express ना कर सकें तो ये क्या कहलाएगा? implicit function कहलाएगा। अब इसकी example है x y plus y square is equal to minus 1। अब ये क्या है, ये complex type की है, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी इसको y को इजीली एक्सप्रेस करने में, यानी y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। तो ये क्या कहलाता है, इस टाइप की इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? इस टाइप के फंक्शन कहलाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमने करना है एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इफ इसके स्टेटमेंट है इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। गिवन क्या है? गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर क्यूब माइनस ए एक्स रेज टू पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या है, इसमें हमें उन्होंने एक फंक्शन दे दिया है, एफ ऑफ एक्स है, जिसकी वैल्यू मैंने अभी रीड की है। उन्होंने कहा, ये उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हैं फंक्शन की, एक्स की वैल्यू
अगर x की हम 2 वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास ये इसके इक्वल आएगा करेंगे हम, और अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो वो उन्होंने कहा है कि वो 0 के इक्वल है। फिर उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमने a और b की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन को यूज़ करके। सोल्यूशन है इसका, अब उन्होंने f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, मीन्स हमें x की वैल्यू पहले क्या दे दी 2, तो हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो f ऑफ 2 जहाँ जहाँ x है मैंने वहाँ पे क्या करना है 2 पुट कर देना है। x का 2 आ गया, ये भी 2^3 बन गया, -a 2^2 प्लस b 2+1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2^3 क्या है 8 की इक्वल होती है, -4 ये 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो जाएगा, 4 ही यहाँ बन जाएगा, +2b+1, इसको सॉल्व करेंगे -4a+2b और 8+1 की जगह 9 हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने f ऑफ 2 उन्होंने क्या दिया हुआ है -3 के इक्वल दिया है, अब जिस f ऑफ 2 की साइड पे क्या लिख देंगे -3, ये -3 यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड पे आ गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये चीज़ तो ऐसे ही आ जाएगी, 9+3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम कहेंगे टेकिंग कॉमन 2, इस पूरे टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच गया, बच गया 2 × -2a + b + 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके दूसरे साइड पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी -2a + b + 6 = 0। इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है f(-1) = 0। अब जहाँ इसी फंक्शन में मैंने x की जगह क्या करना है -1 इंसर्ट कर देना है, -1³ - a - 1² + b - 1 = 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगी, -1³ क्या होता है -1 के इक्वल होता है, एंड -a - 1² हो जाएगा 1, और यहाँ पे कह रहा जाएगा स्टम में -a - b + - - हो जाएगा, तो -b बन जाएगा और +1, यहाँ से -1 और +1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया रिमेनिंग क्या है -a - b = 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज निकालनी थी, मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 ये है -2a + b + 6 = 0, और इक्वेशन 2 ये बनी है -a - b = 0, दोनों को ऐड करना है, ऐड बोथ इक्वेशंस 1 और 2, पहले मैंने राइट कर दी इक्वेशन 1, फिर मैंने इसके नीचे राइट की इक्वेशन 2, बी के नीचे बी वाली टर्म एंड ए के नीचे क्या किया ए वाली टर्म राइट की है, माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, इसको किया -2 और -1 क्या बन जाएगा -3 ये बन जाएगा, और ये +6 एज इट इज नीचे उतार लिया, ये यहाँ पे पॉजिटिव है दूसरे साइड पर जाकर क्या हो जाएगा ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अदर साइड पे जाके ये क्या बन हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा -6 से, -6/-3 क्या हो जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा, सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 के इक्वल आ गई। अब हमने क्या करना है बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हमने ए की वैल्यू को अगर हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या करती हूँ, मैंने ए की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है इक्वेशन 2 में, मैंने क्या पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरे पास ये थी, मैंने इसको राइट किया ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2, तो ये -2 - b = 0 हो गया, तो b की वैल्यू निकाली b = -2 हो गया, हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट है अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, एक स्टोन है जो कि 60 मीटर हाइट से किसी ग्राउंड पे फॉल कर रहा है, The height is after x second जैसे यूनिट से पता चल रहा है कि ये क्या है टाइम है, यानी टाइम उन्होंने क्या दिया x second, हमें पता नहीं है क्या है लेकिन उन्होंने जनरली बता दिया कि टाइम क्या है x है, x second है, is approximately given by h of x = 40 - 10 x raised to power 2, उन्होंने
नोटेशन बता दी, यानी फंक्शन बता दिया है। 40 हाइट का फंक्शन है 40 माइनस 10 एक्स रेज टू पावर 2। अब सॉल्यूशन है, अब इसके पार्ट्स हैं, इसका वन, इसके सेकंड टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। उन्होंने टाइम की वैल्यू बता दी, उन्होंने कहा हाइट निकालें। तो फर्स्ट इसका ए पार्ट है एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दी है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 60x2, इसमें मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगी। एक्स जगह क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1 डेज टू बार 2। इसको सॉल्व करेंगे एंड 40 माइनस, यहाँ पे 10 रह जाएगा, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर। हाइट का यूनिट यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मीटर। बी पार्ट है एक्स इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, 1.5। एज ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 रेज टू पावर 2 माइनस f माइनस 10 इंटू 2.25। स्केयर ले लिया इसका 1.5 का, तो यहाँ क्या बन गया, 2.25। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, 40 माइनस, अब इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो क्या बन गया, 22.5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हमारे पास क्या बन गया, 17.5 मीटर हाइट हमारे पास निकल आई। अब इसका सी पार्ट है x इक्वल टू 1.7 सेकेंड। तो यहाँ पे x इसी फंक्शन में, प्रीवियस फंक्शन में हम लोग x की जगह क्या पुट करेंगे, 1.7। एच ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स, यहाँ बन जाएगा 1.7। एज ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्केयर माइनस 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्केयर आ गया यहाँ पे 2.89। इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, 40 माइनस 28.9 इज इक्वल टू 1.1 मीटर। तो यहाँ पे हाइट हमारे पास क्या आ गई, 11.1 मीटर। अब सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड देन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कहते जब हमारे पास हाइट 0 होगी तो क्या निकालना है हमने, यहाँ पे टाइम, ये कितना टाइम लगेगा स्टोन को ग्राउंड पे आने। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स के, एच ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 0। तो 40 माइनस 10 एक्स केयर ऐसे ही रह गया, और हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हमने टाइम बताना है क्या, कितना टाइम लगता है स्टोन को ग्राउंड पे आने में व्हेन हमारी हाइट क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 10x माइनस 10x केयर था, ये दूसरे पे ले गए अंदर साइड पे, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हमारे पास आएगा, 10 इंटू एक्स केयर इज इक्वल टू 40। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x हमने क्या किया, यहाँ 4 आ, एक्स केयर इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो फिर इसका x का स्केयर खत्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस 2। माइनस 2 निगलेक्ट कर देगी, क्यों, क्योंकि टाइम हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, नेगेटिव 2 को हम निगलेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 बन जाता है, यानी हमारे पास टाइम 2 के इक्वल 2 सेकेंड बन जाएगा। तो क्या है कि 2 सेकेंड लगते हैं एक स्टोन को ग्राउंड पे आने में व्हेन हाइट इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे क्या है कि पैरामीटर इक्वेशंस दी जाएंगी, पैरामीटर इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमें थर्ड वेरिएबल दिया जाता है, जिन एक्स और वाई के अलावा थर्ड वेरिएबल दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमने इसको इन पैरा, ये जो हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं ना, ये हमें दी हैं पैरामीटर इक्वेशंस, जहाँ पे थर्ड वेरिएबल हमारा है टी। फर्स्ट हमारा इसका पार्ट है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280। रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें क्या है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को हमने शो करना है कि ये दोनों पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके इक्वेशन हमें यहाँ पे दिए, पैराबोला क्या है, एलिप्स क्या है, इन सब के बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में थोड़ा डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर सिर्फ आप इसकी इक्वेशन याद रखें y² इज इक्वल टू 4ax। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को पैराबोला शो करना है, तो उसका सोल्यूशन है, मैंने ये दोनों इक्वेशंस एज इज लिख ली, x इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू 280। यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा था एंड यहाँ पे भी, वैसे इन दोनों इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं थी, इसको आप चाहे छोड़ दें, निगलेक्ट कर दें। यहाँ से हमने क्या करना है, टी की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन को लेके, इसको इक्वेशन टू कहते हैं। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये यहाँ पे होगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू क्या निकलती है, 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अदर साइड पे जाके क्या होगा, 2a डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू वाई ओवर 2a हो जाएगा। इसको इस टी की वैल्यू को हम करेंगे पुट इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 हमारी ये थी, x इक्वल टू 8t² है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि a यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर डिवाइड मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो y ओवर 2a का होल स्केयर आ जाता है, तो इधर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y² ओवर 4a² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बना है x ओवर a इज इक्वल टू y² ओवर 4a², तो हमने इसको y² इज इक्वल टू 4ax प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया कि सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पे मेरा जो 4a² डिवाइड हो रहा था, इसको अदर साइड पे ले गई हूँ, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4a² डॉट मल्टीप्लाई x ओवर a इज इक्वल टू y², तो कटिंग हो गई यहाँ से, यहाँ पे a की पावर 2 है और यहाँ पे क्या है 1, तो क्या बना 4ax, तो y² इज इक्वल टू 4ax हो गया। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास पैराबोला को शो कर रही है, हमारा क्या था, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। अब इसका सेकंड पार्ट है, x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ये क्या इक्वेशन ऑफ फिलिप्स है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या शो करना है, ये दोनों क्या है, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स को शो करती हैं। अब मैंने ये दोनों इक्वेशंस एज इट इज राइट कर ली, यहाँ पे a क्या मल्टीप्लाई हो रहा था cos थीटा से, इसको मैं इधर साइड पे ले गई, तो ये x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा बन गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दी। यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू b sin थीटा, b वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अदर साइड पे जाके क्या हुआ, डिवाइड हो गया, तो मैंने इसको इक्वेशन 2 कह दिया। इन दोनों इक्वेशन को स्केयर कर लिया और ऐड कर लिया, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, पहले स्केयरिंग की है, x² ओवर a² y² ओवर b² हो जाएगा, फिर इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड की का स्केयर किया और उनको ऐड कर दिया, फिर क्या हुआ कि cos² थीटा इसका स्केयर कर लिया और इसका तो sin² थीटा बन गया, स्केयर करके इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये चीज़ बन जाती है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये क्या है, cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये पूरी चीज़ क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। और ये हमारे पास क्या बने हैं, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के, वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, वो भी इसी तरीके से होंगे। डैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू एंड अल्लाह।